गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. प्रीवियस क्लास वीडियो वी लर्न अबाउट व्हाई डू वी नीड फूड, फंक्शन ऑफ फूड, वेरिएशन इन फूड कल्चर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट रीजन इन इंडिया. व्हाट इज इट एंड व्हाट इज फेमस, ओके, इन फूड कल्चर. ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़े थे कि भारत में भी कई प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है. ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पंजाब और हरियाणा में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, पसंद किया जाता है. ओके, पंजाब एंड हरियाणा, फर्स्ट टॉपिक दिया है सरसों का साग, जिसको आप जानते हैं, करी मेड फ्रॉम मस्टर्ड लीव्स, जो सरसों की पत्ती की सब्जी बनी होती है, साग बनी होती है, इसी को सरसों की साग बोलते हैं. मक्का की रोटी मेड फ्रॉम मेज फ्लोर, जो मक्के के आटे से रोटी बनाई जाती है, इसी मक्का रोटी कहते हैं. लस्सी मेड फ्रॉम कर्ड, जो दही से बनाई गई होती है लस्सी, वो बहुत पसंद करते हैं. छोले मेड फ्रॉम ग्राम्स, छोले जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, चने से बने होते हैं. भटूरे मेड फ्रॉम फर्मेंटेड व्हीट फ्लोर, भटूरे जो गेहूं का आटा होता है उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है भटूरा. रात को भिगो दिया जाता है आटे को और सवेरे में उसको बना दिया जाता है, वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है, किडविट हो जाता है, तो ऐसे में छोले भटूरे खाया जाता है. मतलब जो पंजाब और हरियाणा राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा सरसों की साग पसंद की जाती है, मक्के की रोटी पसंद की जाती है, लस्सी पसंद की जाती है, छोले पसंद की जाती है और भटूरे पसंद की जाती है. ये उनका प्रमुख क्या है, भोजन है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख भी रहे हैं मक्के की रोटी एंड सरसों की साग दिया हुआ है. सरसों की साग इस प्लेट में है और यहाँ मक्के की रोटी है. ओके, यहाँ आपका दिया है छोले भटूरे, तो ये जो प्लेट है ना इसमें छोले है और इसमें क्या है, भटूरे हैं. ओके, यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, जो राजस्थान है ना वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद क्या किया जाता है, दाल बाटी या चूरमा पसंद की जाती है. ओके, गुजरात, गुजरात में ढोकला मेड फ्रॉम ग्राम फ्लोर, श्रीखंडा मेड फ्रॉम फिल्टर्ड कर्ड एंड शुगर. ओके स्टूडेंट, जो गुजरात है वहाँ ढोकला पसंद की जाती है, सबसे ज़्यादा ढोकला पसंद की जाती है. देखिए यहाँ येलो कलर का है ना, ये प्लेट में दिख रहा है, यही ढोकला है. ओके स्टूडेंट, श्रीखंडा कह रहा है कि श्रीखंडा जो होता है ना, श्रीखंडा जो है वो किससे बना होता है, फिल्टरेड कर्ड एंड शुगर, दही और चीनी से बना होता है. किससे बना होता है, दही और चीनी से बना होता है. साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत है, उसमें क्या पसंद की जाती है, डोसा वाडा इडली, ये सब किससे बने होते हैं, मेड ऑल फ्रॉम राइस एंड उड़द दाल. उड़द की दाल आप देखते हो, सुनते हो, उस दाल से और राइस से, चावल से, इन दोनों को एक साथ मिक्स करके पीस के बनाया गया होता है, जिसको वो लोग बहुत पसंद करते हैं. यहाँ आप नेक्स्ट प्लेट यहाँ दिख रही है, डोसा लिखा भी है, ये क्या है, डोसा, इसको बनाई गई है. ओके स्टूडेंट, अब आप लोग वर्क कीजिए, एक्टिविटी फर्स्ट दिया है ना, राइट द नेम ऑफ फ्यू इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग फूड आइटम्स. कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ फ्यू इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है कि कुछ सामग्री, इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है सामग्री, कुछ सामग्री का नाम लिखिए रिक्वायर्ड टू मेक, जिसकी आवश्यकता होती है द फॉलोइंग फूड आइटम, ये फूड आइटम्स को बनाने के लिए जिन सामग्री का यूज होता है, उपयोग होता है, उसका नाम आप लोग लिखिए. तो ये आप लोग नाम लिखेंगे, जैसे रोटी है ना, फूड आइटम रोटी है, वो किससे बना होता है, इसमें क्या क्या मिलाया गया होता है, तो व्हीट फ्लोर एंड वाटर दोनों मिक्स करके बनाया जाता है. ओके, चपाती दाल खीर ढोकला डोसा इडली वाडा, ये सारी चीज़ें किससे बनी होती है, उसका नाम आप लिख के और मुझे भेजेंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे उसके बाद आप भेजेंगे, ठीक है. अगर आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा. ओके, चलिए हम पढ़े थे नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स ऑफ फूड. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सोर्स ऑफ फूड, देयर मेनली टू सोर्स ऑफ फूड, रहा है
कि देयर आर मेनली टू सोर्स ऑफ फूड, यहाँ जो है क्या है, मेनली दो सोर्स हैं फूड के लिए, भोजन के दो सोर्स हैं। फर्स्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइट। कह रहा है कि फर्स्ट जो सोर्स है वो प्लांट्स है, सेकेंड एनिमल्स होगा, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं, मेक देयर ओन फूड, वह अपना भोजन खुद बनाते हैं बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे आप लोगों ने देखा है ना, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनकी पत्तियों में, ठीक है। उन पत्तियों से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ओके स्टूडेंट। और अपना भोजन बनाते भी हैं, साथ ही साथ उनके भोजन का यूज हम लोग भी करते हैं। कैसे, फल लगता है, इस फल का यूज हम लोग करते हैं, उनकी पत्तियों का यूज करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? टू मेक। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक, मेक मीन्स बनाना। प्रकाश से बनाने वाला जो कार्य है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। दे आर क्या अकाल, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप कहेंगे कि द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। विच प्रोसेस द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहे दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, दे मिस वे आर मिस है, कॉल्ड मिस कहलाते, प्रोड्यूसर मिस उत्पादक। वे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड दैट इज वे दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। दैट इज वाई वे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए वे क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी। जो फूड भोजन प्रोड्यूस या भोजन होता है, जो जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एक हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है स्वपोषी। क्या होता है? स्वपोषी। नेक्स्ट जो है सोर्स ऑफ फूड में नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स। एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो फूड से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन? एनिमल्स जो होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपना जो भोजन है किससे प्राप्त करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे आल्सो ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स एंड कंज्यूम वेरियस एनिमल्स प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। दे आल्सो ईट द मीट, जो एनिमल्स होते हैं पहले तो प्लांट डायरेक्ट प्लांट से अपना भोजन कर लेते हैं, साथ ही साथ वे अदर एनिमल के मीट को भी खाते हैं एंड कंज्यूम वेरियस एनिमल, और बहुत सारे एनिमल से बने प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग है ना, हम लोग भी जानवरों से बने दूध का यूज करते हैं, दूध से बने बहुत सारे मिठाइयाँ हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जानवरों का मीट खाते हैं, मच्छी खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, ये सारे क्या है? डिपेंडेंट हैं किस पे? जानवरों पे। और वो जानवर किस पे डिपेंड है? पौधों पे डिपेंड है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी तो एनिमल्स के कैटेगरी में ही आते हैं, जंतु ही कहलाते हैं। हाँ, जंतु ही कहलाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पौधे पे कैसे डिपेंड है? हम लोग पौधे पे इस प्रकार से डिपेंड है कि हम लोग जो गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, चावल खाते, दाल खाते, ये सारा क्या है? किससे प्राप्त होने वाला है? पौधों से प्राप्त होने वाला है। जो हम साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सारे किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो दे हर कॉल्ड कंज्यूमर,
जो खुद अपना भोजन नहीं बना पाता है, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, पौधों से अपटेन करता है भोजन, जानवरों से अपटेन करता है भोजन, उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मीन्स क्या होता है? उपभोक्ता होता है। ठीक है, यहाँ आपका एक्टिविटी सेकेंड दिया हुआ है, लेट अस टेक सम फूड आइटम्स एंड फाइंड आउट वेयर दे आर इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, दैट इज देयर सोर्स। कह रहा है कि यहाँ कुछ फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट्स भी दिया गया है, अब आपको क्या करना है? उसका सोर्स लिखना है, सोर्स लिखना है कि वो किससे बनाए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स। कह रहे हैं क्या फूड आइटम्स हैं। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे कि किससे बनाए जाते हैं, तो फूड आइटम्स का नाम लिखेंगे, और ये फूड आइटम जो बना है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो आता कहाँ से है। जैसे खीर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है खीर, फूड आइटम्स ने क्या दिया है? खीर दिया है। इंग्रेडिएंट सामग्री क्या दिया है? राइस, मिल्क, शुगर, वाटर, ये सब मिलते हैं ना। खीर बनाने के लिए इतनी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है ना। अब राइस का सोर्स क्या है, मिल्क का सोर्स क्या है, शुगर कहाँ से आता है, वाटर कहाँ से आता है, इसको आप लिख के और सेंड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख के, जैसे कि राइस किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। मिल्क किससे मिलता है? काउ से, फलों से, मतलब एनिमल से मिलता है। शुगर किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। वाटर किस कहाँ से मिलता है? वो नेचर से मिलता है। तो ऐसे आप क्या करेंगे? लिख के और सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, आगे पढ़ते हैं हम लोग, फूड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से हम भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, जो मानव और जानवर हैं, वो सब किस पे डिपेंड हैं? पौधों पे डिपेंड हैं अपने भोजन के लिए, या तो डायरेक्ट रूप से, नहीं तो इनडायरेक्ट, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे डिपेंड हैं, किस पे आश्रित हैं? पौधों पर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? भोजन पे डिपेंड है। वी ईट वन आर मोर प्लांट्स ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि वी ईट, हम खाते हैं, ठीक है, वन आर मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी, वन आर मोर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम पौधे का एक से अधिक पौधों के भाग को क्या करते हैं? खाते हैं। द प्लांट्स पार्ट विच आर इटेन आर का एडिबल पार्ट। कह रहा है कि जिस पार्ट को हम खाते हैं, वह पौधे का जो पार्ट है, एडिबल पार्ट कहलाता है, या खाने योग्य भाग कहलाता है। एडिबल पार्ट मीन्स क्या होता है? खाने योग्य भाग कहलाता है। ठीक है, द रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स फ्रूट एंड सीड्स ऑफ ए प्लांट। जिसे कह रहा है कि जो पौधे होते हैं, उसका रूट को भी खा लिया जाता है, स्टेम को भी खा लिया जाता है। आप फिगर भी दिया हुआ है आपका, बहुत सारी सब्जियों का। ठीक है, रूट खा लिया जाता है, स्टेम खा लिया जाता है, उसके सीड को खाया जाता है। ठीक है, स्टोर फूड, जहाँ वो स्टोर रहता है फूड को, क्या करते हैं पौधे जो, क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने लीफ में, अपने रूट में, अपने स्टेम में, अपने फ्रूट में, अपने फ्लावर में होता है, वह स्टोर किए होते हैं फूड, जो कि किससे, कौन बनाया होता है? खुद प्लांट्स बनाए होते हैं। वी ईट देम इफ़ दे सूट टू आवर टेस्ट फ्लेवर एंड बॉडी फंक्शन। कह रहा है कि वी ईट देम, हम उन्हें खा लेते हैं, किसको? रूट को, स्टेम को, लीफ को, फ्रूट को, फ्लावर को खा लेते हैं। अगर वो हमारे बॉडी को क्या करता है? हमको टेस्ट देता है, स्वाद देता है, और बॉडी हमारे बॉडी के लिए कार्य करता है, मतलब कि हमें कार्य करने में अगर सक्षम बनाता है, उनको हम क्या करते हैं? खा लेते हैं। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सीरियल्स पल्स ऑयल स्पाइसेज ईटीसी फ्रॉम प्लांट्स। करें कि वी गेट डिफरेंट फूड आइटम, हम क्या करते हैं? बहुत सारे भिन्न भिन्न फूड आइटम्स प्राप्त करते हैं, सच एज, जैसे कि वेजिटेबल सब्जियाँ खाते हैं, एंड फ्रूट्स फल खाते हैं, सीरियल्स जो अनाज आता है, पल्स जो दालें आते हैं,
ऑयल जो तेल हम यूज करते हैं, स्पाइसेस जो हम मसाले यूज करते हैं, सब किससे आते हैं? प्लांट से आते हैं। सब किससे आते हैं? प्लांट से आते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना। आपको दोनों टेबल लिख के और मेरे पास सेंड करना है, उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, इन सब का हम यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है? अगले क्लास वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। आज आप अपना होमवर्क कीजिए और सेंड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ओके स्टूडेंट, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको पढ़ाऊँ, जब भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, तो आपको क्या करें, आपको लिंक मिल जाए। आप यहाँ रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, मेरा चैनल आपके प्लेलिस्ट में चला जाएगा, या यू कह क्या, आप यूट्यूब पे मुझे देख सकते हैं, ठीक है? मैं जब भी लिंक शेयर करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। आप क्या करेंगे, इस रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको टच करना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क करके भेजिए, ठीक है? ये जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ओके स्टूडेंट, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको पढ़ाऊँ, जब भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ, तो आपको क्या करें, आपको लिंक मिल जाए। आप यहाँ रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, मेरा चैनल आपके प्लेलिस्ट में चला जाएगा, या यू कह क्या, आप यूट्यूब पे मुझे देख सकते हैं, ठीक है? मैं जब भी लिंक शेयर करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। आप क्या करेंगे, इस रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको टच करना है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क करके भेजिए, ठीक है?